दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा आप लोग ब्लॉगर से कितना पैसा कमा सकते हो। दोस्तों ब्लॉगर से पैसा कमाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, पूरे स्टेप पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, देने वाला हो। इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, ब्लॉगर से अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ब्लॉगर पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एक अच्छा थीम सेलेक्ट करना है, अपने ब्लॉग को कस्टमाइज करना है, डिजाइन करना है, कुछ आर्टिकल लिखना है। कॉपी पेस्ट करके कहीं से आप मत उठाएं, कुछ भी आर्टिकल कॉपी पेस्ट करके कहीं से मत उठाएं, अपना ओरिजिनल जेन्युइन कंटेंट अपलोड करें, अच्छा पोस्ट लिखें। कम से कम गाइस आपको 20 से लेकर 30 पोस्ट लिखना है और उसके बाद कस्टम डोमेन एक आपको अटैच करना है ब्लॉगर के साथ, .com या फिर .in डोमेन। उसके बाद एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है, एडसेंस में जाके आपको साइट को सबमिट कर देना है। 1 वीक से लेकर 2 वीक के अंदर आपका साइट अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन साइट कस्टमाइज़ करने से पहले पेजेस बनाना बहुत ज़रूरी है आपकी साइट के ऊपर, जैसे कि अबाउट का पेजेस, टर्म्स एंड कंडीशन का पेजेस, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, इस तरह का जो पॉलिसी पेजेस होते हैं ये सारे पेजेस क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका साइट अप्रूव नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, अपने साइट को गूगल चार्ट्स कंसोल में भी आपको इंडेक्स करना पड़ेगा और जो भी पोस्ट आप लिखते हो उनको भी इंडेक्स करना पड़ेगा। मेटा डेटा जो भी है उनको आपको सही से एडिट करना है, अपना डेटा सही से एडिट करना पड़ेगा। ब्लॉगर में सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ पर सेटिंग होते हैं, उनको आपको रोबोट की मदद से आपको सही करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना पड़ता है और अपना जो भी सोशल मीडिया का साइट है उनको भी अटैच कीजिए ब्लॉगर के साथ, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको साइट को रिक्वेस्ट कर देना है अप्रूवल के लिए। उसके बाद अप्रूवल जैसे ही मिलते हैं साइट के ऊपर आप एड लगाइए और शेयर मत कीजिएगा कहीं पे भी अपनी साइट को, नहीं तो इनवैलिड एक्टिविटी होगा और आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो सकता है, ठीक है। और अपने यहाँ पे जो गूगल चार्ट से ट्रैफिक आएगा उनमें जो भी ऐड में रिवेन्यू बनेंगे वो रिवेन्यू एडसेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। और जैसे दोस्तों $10 कम्प्लीट होंगे आपको आइडेंटिटी वेरीफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा एडसेंस की तरफ से। आइडेंटिटी वेरीफिकेशन आपको पैन कार्ड, वोटर आई डी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपको दोस्तों पासपोर्ट से करना पड़ेगा। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होगा तो उनमें से कर लीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वेट करना है वेरीफाई होने के बाद आइडेंटिटी 10 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद आपकी पोस्ट ऑफिस में, आपकी बायपोस्ट जो भी ऑफिस होंगे आपकी घर के आसपास वहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन कोड लिखा होगा उस लिफाफे में, उस लिफाफे से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एडसेंस अकाउंट को। उसके बाद जैसे $100 कंप्लीट होंगे एडसेंस अकाउंट में, उसके बाद क्या करना है, $100 कंप्लीट होने से पहले मतलब जब आप पिन वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही दोस्तों आप क्या कर सकते हो, अपना बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हो या फिर उसके बाद भी कर सकते हो $100 कंप्लीट होने के बाद भी। और उसके बाद जैसे आप बैंक डिटेल ऐड कर देंगे, $100 जैसे कंप्लीट हो जाएंगे एडसेंस में, हर महीने की 21 तारीख या फिर 22 या फिर 25 के अंदर ही आपका जो भी बैलेंस होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी बैंक अकाउंट में। तो इसी तरह से आप ब्लॉगर से काफ़ी अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, डॉलरों में पैसा कमा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मेरे पास इतना समय नहीं होता है वीडियो बनाने का और जहाँ पर समय मिलता है वहीं पर मैं वीडियो बना लेता हूँ। मैं जॉब करता हूँ, समय बहुत ही कम मिलता है, जहाँ पर टाइम मिलता है वहाँ पर ही वीडियो में शूट कर लेता हूँ। इसलिए बैकग्राउंड आप देख के इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी बैकग्राउंड है वैसी रहने दीजिए, क्या करूँ, जहाँ पर समय मिलता है वहीं पर वीडियो शूट कर लेता हूँ, कहीं पर भी मैं वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों ब्लॉगर के ऊपर मैं काफ़ी सारे ट्यूटोरियल वीडियो अपने चैनल पर बनाया हूँ, प्लेलिस्ट पर है, उनको चाहे तो आप देख सकते हो, आपको अच्छा खासा नॉलेज और जानकारी मिलेंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ में फिर से किसी और एक न्यू दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।